सोचिए आप एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि केवल आप ही पार्टी के विधायक हों। जी हाँ, पवन कुमार चामलिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम राज्य के पहले ऐसे नेता हैं जो लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी पार्टी SDF सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगातार 1994 से 2014 तक 5 बार राज्य में चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में उनकी पार्टी ने राज्य की सभी 32 सीटें जीती, लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी ने केवल 15 सीट जीती और 17 सीट पर जीत के साथ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सरकार बना ली। अब SDF के दो विधायकों ने 2 सीट पर जीत पहले से ही हासिल कर रखी थी, तो दोनों को अपनी एक एक सीट छोड़नी पड़ी, जिससे पार्टी के विधायकों की गिनती केवल 13 रह गई। 13 अगस्त 2019 को सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायक BJP को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके अगले ही दिन 2 और विधायक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में चले जाते हैं। अब सिर्फ एक विधायक पार्टी में रह गया जिसने 1993 में SDF पार्टी बनाई और 25 साल तक लोगों की सेवा करी, श्री पवन कुमार चामलिंग।